अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे कोफ्ता और चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इस रेसिपी में जो कोफ्ता की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, उससे 100% आप सॉफ्ट और मॉइस कोफ्ता बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का अनियन हमें चाहिए होगा, रफली चॉप कर लीजिएगा आप, 1.5 टीस्पून के जितना हमें चाहिए होगा जिंजर पेस्ट, 1.5 टीस्पून के जितना ड्राई कोरिएंडर पाउडर चाहिए होगा, 3/4 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टीस्पून के जितना सॉल्ट चाहिए होगा, 1 टीस्पून के जितनी चिली फ्लेक्स चाहिए होंगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और कोफ्तों को जो हम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून के जितना कॉर्न फ्लावर और 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट कोफ्ते इससे बन के तैयार होते हैं। और कोफ्ते बनाने के लिए 1 केजी के जितना मैं यूज़ करूँगी लैम मेंस, 3/4 कप के जितनी हमें चने की दाल चाहिए होगी बॉयल्ड। मैंने इसे सॉल्टेड वाटर में बॉयल कर लिया है। और मेक श्योर कीजिएगा कि चने की दाल आप इस तरह से बॉईल करें कि इसका दाना टूटे नहीं, मुशी नहीं हो ये, तो इस तरह से बॉईल कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं कि कोफ्ता और चना दाल की ग्रेवी के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज हमें चाहिए होंगे, रफली चॉप कर लीजिएगा, और 1 लार्ज साइज़ का अनियन चाहिए होगा फाइनली चॉप्ड, 1.5 टीस्पून के जितना हमें चाहिए होगा फेनल सीड और कोरिएंडर सीड का पाउडर, और 2 टीस्पून के जितनी रेड चिली पाउडर चाहिए होगा, मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और 1 टीस्पून के जितना टर्मरिक पाउडर हमें चाहिए होगा, 1.5 टीस्पून के जितना सॉल्ट, 1 टीस्पून के जितना जिंजर पेस्ट और 1.5 टीस्पून के जितना हमें चाहिए होगा गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा लास्ट मिनट में कुकिंग को फिनिश करते हुए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए होंगे उनमें 3 टेबल स्पून के जितना फ्रेश कोरिएंडर हमें चाहिए होगा, 2 ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी, इनको अच्छे से कट कर लीजिएगा आप, और 1 टीस्पून गरम मसाला चाहिए होगा, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगी ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी। तो सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए मिन्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मिन्स मैंने डाल दिया बाउल में, और इसमें ये अनियन चला जाएगा, अनियन डाल देते हैं इसमें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम ग्राइंड कर लेंगे, और गार्लिक पेस्ट चला गया इसमें, जिंजर पेस्ट, चिलीज ऐड कर देते हैं इसमें, कोरिएंडर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट ऐड कर देते हैं इसमें, और इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं 1 टीस्पून के जितना, और 1 टेबल स्पून के जितना इसमें चला जाएगा कॉर्न फ्लावर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट कोफ्ते तैयार होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बड़ा मैं स्पून ले लेती हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए ये मिक्स हो गया, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो अच्छे से आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको तो चलिए ये ऑलमोस्ट डन है, इसको निकाल लेते हैं, और बाकी का मैं तमाम इस तरह से कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए कोफ्तों का जो मिन्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब इसके कोफ्ते बना के रख लेते हैं। पानी आप थोड़ा सा ले लीजिए, और जितने बड़े आपको कोफ्ते बनाने हो तो उतना सा पोर्शन आप ले लीजिए, और इसको हाथों पे रोल करते हुए तो इस तरह से आप इसके कोफ्ते बना लीजिए। आप चाहें तो बिल्कुल राउंड भी बना लें जैसे एक्चुअली कोफ्ते होते हैं। मैं थोड़ा सा इनको फ्लैटन करूंगी, कुक होने पे ये और थोड़े से राउंड हो जाएंगे। तो मैं इनको इस तरह से बना रही हूँ, मैं इस तरह से बनाऊंगी। आप चाहें तो बिल्कुल आप राउंड शेप में बना सकते हैं। तो
तो बना लेती हूँ इस तरह से मैं तमाम कोफ्ते। बस इस तरह से आपने पानी लगाते हुए थोड़ा सा राउंड करते हुए जितने भी साइज़ जो भी साइज़ आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना लीजिए। जब हम इनको कुक करेंगे तो ये थोड़े बहुत और राउंड हो जाएंगे, तो बस हल्का सा मैं इनको फ्लैटन कर रही हूँ। तो इस तरह से बनाते जाते हैं तमाम, बना लेती हूँ मैं तमाम। तो कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं, तो अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं कोफ्तों के लिए ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए पैन में ऑयल ऐड कर देती हूँ, 3/4 कप के जितना ऑयल मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें अनियंस डाल देते हैं, इसमें कुक होने देते हैं अनियंस को। तो यहाँ पे अनियंस का कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐड कर देते हैं इसमें गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बस एक आध मिनट के लिए इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो टोमेटोज ऐड कर देंगे इसमें। तो चलिए ऐड कर देते हैं इसमें टोमेटोज। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, तो 1/4 कप के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं साथ ही, सॉल्ट चला जाएगा इसमें, रेड चिलीज, टर्मरिक पाउडर और इसमें ऐड कर देते हैं फेनल सीड पाउडर और जो ड्राई कोरिएंडर पाउडर है ये ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए हीट आप मीडियम रख के इसको कवर करके कुक कीजिए 5 to 8 मिनट्स, और तब तक ये टमेटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनकी स्किन हम रिमूव कर लेंगे। तो कवर कर देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं कवर करके कुक करते हुए, तो चेक कर लेते हैं टमेटोज़ को। तो आई थिंक जी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं टमेटोज़, बहुत अच्छे से इसका जो है स्किन वो रिमूव हो रही है। तो निकाल लेते हैं सारी जो स्किन है तमाम टमेटोज़ की, इस तरह से करते हुए आप निकाल लीजिए और फिर इनको हम मैश कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, तो अभी चोंग की मदद से ही इसको प्रेस कर लीजिए टमेटोज़ को ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए मसाले में। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं और उसे मज़ीद कुक होने देते हैं यहाँ तक कि टमेटोज बिल्कुल ब्लेंड हो जाएं यहाँ मसाले में। तो अगेन इसे कवर करके कुक कर लेते हैं 5 more minutes। तो 5 से 6 मिनट मज़ीद हो गए हैं मसाले को कुक होते हुए, चेक कर लेते हैं। तो मसाला यहाँ पे बहुत अच्छा सा कुक हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया इसका और तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। तो अभी इसमें कोफ्ते ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐड करते जाते हैं इसमें तमाम जो कोफ्ते हमने बनाए हैं। तो हीट हमने बिल्कुल इसकी लो पे रखी हुई है इस वक्त। डालते जाते हैं, सेंटर में रख देते हैं एक। चलिए अब इसको कवर कर देते हैं। फाइव मिनट इसको कवर करके कुक करेंगे। मिनट्स हो गए हैं,
तो ऑलमोस्ट ये कुक होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको हम शेक कर लेंगे इस तरह से। अभी हम स्पून की मदद से इसको टर्न नहीं करेंगे, जस्ट इस तरह से आप इसको शेक कर लीजिए। अगेन इसको रख दीजिए कवर करके, चेक कर लेते हैं कोफ्तों को अगेन। जी बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं। बस इसी तरह अभी हम इनको शेक करेंगे और अच्छे से इनको कुक करेंगे, क्योंकि दाल बिल्कुल हमने बॉईल की हुई है, तो वो हम जब कोफ्ते अच्छे से कुक हो जाएंगे तब ऐड करेंगे। तो होने देते हैं इन्हें मज़ीद, साइड चेंज कर देते हैं तमाम कोफ्तों की एक दफ़ा में अच्छे से। और बिल्कुल हम इनको अच्छे से कुक कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। तो ऐड कर देते हैं इसमें 1 कप के जितना बॉइलिंग वाटर और कोफ्तों को टेंडर होने तक कुक कर लेंगे। तो अभी इनको मीडियम टू हाई पे या मीडियम टू लो पे आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तो इसको कुक कर लेते हैं यहाँ तक कि बिल्कुल ये टेंडर हो जाएं कोफ्ते जो हैं। उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो होने देते हैं अंटिल के ये बिल्कुल टेंडर हो जाएं। कोफ्ते यहाँ पे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, तो अभी इस पॉइंट पे दाल इसमें ऐड कर देते हैं। जो चना दाल हमने बॉईल करके रखी थी, स्प्लिट चिक पीस, ये इसमें ऐड कर देते हैं। चूँकि ये बॉयल थे तो इसलिए हम इसको अच्छे से कोफ्तों को गलाने के बाद इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अभी इसको ऐड कर देते हैं और इसके मज़ीद 5 to 10 minutes कुक कर लेते हैं। तो चलिए होने देते हैं इनको मज़ीद। कवर कर देते हैं और इसे कुक होने देते हैं। तो देख लेते हैं कोफ्ता और चना करी को, बिल्कुल ये डन हो गया, ऑयल इसका ऊपर आ गया। तो इस पॉइंट पे इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देते हैं और साथ ही ग्रीन चिलीज़ भी, ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छा सा एक मिक्स दे देते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए। और अभी इसको 1 से 2 मिनट कवर करके रखते हैं और बिल्कुल लास्ट मिनट में हम इसमें गरम मसाला और ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो चलिए डाल देते हैं इसमें गरम मसाला और ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी, ये भी हम डाल के इसको मिक्स करके और डिश आउट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ फाइनल लुक। तो चलिए डन हो गया हमारा कोफ्ता करी, तो कर लेते हैं इसको डिश आउट। तो कोफ्ता करी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। अगर आप इस तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट तैयार होंगे, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।